फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ नवंबर इमेंट करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश सो लेट्स बिगन विदेशन सेशन देखिए द फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ मॉडल रिसर्च सेंटर टू बी डेवलप्ड एट सांगला तो ये सी हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया एक मीटअप ऑर्गेनाइज किया Uh, कि किस तरीके से हम लोग जो है क्रॉप्स को जो पोटेंशियल क्रॉप्स हैं उनको और प्रमोट uh, कर सकते हैं और फार्मर्स की जो इनकम है उनको उसको ग्रो कर सकते हैं सो दिस बेसिकली ये सारी इंटरेक्शन हुई साइंटिस्ट के बीच में हुई फार्मर्स के बीच में हुई एट रीजनल रिसर्च स्टेशन इन सांगला एक ट्राइबल एरिया है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक का अंडरस्टैंड सो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखिए बहुत सारे सजेशन निकल के आए जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग काला जीरा जो है जिसको हम लोग ब्लैक क्यूमिन कहते हैं इंटरक्रॉप की तरह यूज किया, right? uh, uh, किया जा सकता है एप्पल ऑर्चिड के अंदर राइट एप्पल ऑर्चिड के अंदर हम लोग इंटरक्रॉप काला जीरा या ब्लैक क्यूमिन को यूज कर सकते हैं साथ ही साथ सेफ्रॉन जो है वो सोल क्रॉप की तरह क्या इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है राइट ऑल्सो अगर हम लोग इस तरीके से फॉलो करेंगे ये सारी चीजें सो ऑब्वियसली इट वुड एनहांस द इनकम ऑफ दो रीजनल पीपल those people and also university would extend uh, obviously university provide karegi unko technical knowledge besides providing improved plant material and training so training di jayegi unko logistic facility di jayegi plant material diya jayega साथ ही साथ technical जो aspect है उसमें भी ये जो university है ये uh, farmers की help करेगी ताकि uh, उनकी जो income है वो grow हो पाए साथ ही साथ ये जो सांगला का जो ट्राइबल एरिया है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं जो काम कर रहे हैं फार्मिंग कर रहे हैं उनको भी अप्रीशिएट किया गया और साथ ही साथ उनको ये मेक श्योर sure किया जा रहा है कि हम लोग सारे के सारे टेक्निकल सपोर्ट के साथ आपको हेल्प करेंगे टू तो ग्रो द एग्जॉटिक वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली हो गया लेटस हो गया कैबेज हो गया एंड ऑल्सो द ऑफ सीजन वेजिटेबल्स जैसे कि इम्प्रूव फॉर्डर फोर्डर क्रॉप्स भी उगाने के लिए ये आप टेक्निकल हेल्प देंगे किनको ट्राइबल्स uh, को एंड अल्टीमेटली इट आल्सो ट्राई टू दे आल्सो इम्प्रूव द एनिमल प्रोडक्शन विद द क्वालिटी ब्रीड्स एंड फीड सो ओवरऑल इस तरीके से इंप्रूवमेंट होगी राइट ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट देख लेते हैं ऑल्सो डायरेक्शन आर गिवन टू द साइंटिस्ट टू डेवलप अ कैलेंडर एक कैलेंडर बना लीजिए ऑन एप्पल स्प्रे स्केड्यूल ठीक है टू okay? so दी एपल ग्रोवर्स ओके सो डायरेक्शन दी गई है साथ ही साथ यूनिवर्सिटी वुगला एज अ मॉडल फार्मीमेटली स्ट्रेंद को स्ट्रेंदन uh, किया जाएगा विदिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन दियर फ्यूचर राइट सो ये एक न्यूज थी आप अब नेक्स्ट हम लोग न्यूज पढ़ते हैं जी आई टैक्स से रिलेटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस जो दिया जाता है सो लाहौली हैंडनेट सॉक्स एंड ग्लोव्स ठीक है सो ये जो सॉक्स एंड ग्लोवस है जो लाहौल के uh, वहाँ के जो हैंडी क्राफ्ट मैन हैं वो बनाते हैं उसको जी आई स्टेटस मिला है अब जी आई स्टेटस ऑब्वियसली इसलिए मिलता है ताकि वहाँ का जो स्पेशलिटी है वो और कोई कॉपी ना कर पाए वहाँ के लोगों को वो बेनिफिट मिले जो वो काफ़ी टाइम से बना रहे हैं और उनका जो कल्चर है वो प्रिजर्व हो के रहे इसीलिए जीआई टैग मिलता है सो so हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पढ़ते हैं जैसे कि ये जो हैंड हाथ से बुनी हुई सॉक्स होती है जैसे ये पीछे पीछे पिक्चर्स भी है और साथ ही साथ ग्लव्स होते हैं ये ग्लव्स हैं इनको दे गॉट दस जी आई टैग इसमें इंपॉटेंट पॉइंट क्या है कि एक एनजीओ है वहीं का लोकल एनजीओ है उस एनजीओ का नाम है सेव लाहौल स्पीति सोसाइटी तो ये जो एनजीओ है इस एनजीओ को स्टेटस ऑफ रजिस्टर प्रोपराइटर ऑफ जीआई टैग मिला है कि अब ये जो है इसके पास ये रजिस्टर रजिस्टर ही दिस पर्टिकुलर एनजीओ जी ओ इज द रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ जीआई टैग जीआई टैग ऑफ सॉक्स एंड ग्लव बाय द हिमाचल प्रदेश पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर एच एंड एच काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट हिमकॉस्टे ठीक है सो so इसके द्वारा ये जीआई टैग इनको दिया गया है राइट right? सो so इस पर्टिकुलर एनजीओ को दिया गया है ताकि ये जो प्रोड्यूस करेगा ग्लव्स एंड जो अपना सॉक्स है सो so उसको उसमें एक स्पेशल एक चीज है दैट इज जीआई टैग का एक स्टेटस मिला है इस पर्टिकुलर चीज को राइट right? चलो थोड़ा सा और देखते हैं दे आर मेड फ्रॉम द इंडिजीनियस वूल शेयर फ्रॉम दी लोकल शीप्स जो आम जो लोकल वहां पे वैरायटी ऑफ शीप्स मिलती है वहां के वूल से ये हाथ से बनाए गए ग्लव्स एंड सॉक्स होते हैं और इसमें थोड़ा सा और टेक्निकल डिटेल्स है जैसे कि फोर डबल पॉइंटेड नीडल से इसको बनाया जाता है ठीक है कफ इज नेट सेकेंड द लेग एंड देन एट लास्ट द हील जो है उसको नेट किया जाता है बुना जाता है सो जी आई टैग इज डेफिनेटली अ प्रोमिसिंग एंड एनकरेजिंग स्टार्ट फॉर द कलेक्टिव गोल्स टू प्रिजर्व सो ऑबियसली इट इज़ अ वेरी प्रोमिसिंग एंड एनकरेजिंग स्टार्ट फॉर द फार्मर्स वहाँ के जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं उनका जो कल्चर होगा वो प्रिजर्व होगा प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ऑफ लाहौल वैली राइट सो उनकी इनकम बढ़ेगी उनका एक तरीके से एक मार्केट बनेगी इंटरनेशनल मार्केट भी बन सकती है लोकल मार्केट भी बनेगी इसी प्रोडक्ट्स के साथ ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल देख नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट है जस्ट इसमें वन मार्कर आ सकता है सवाल अगर आता है तो कुल्लू टू तो होस्ट द मिक्सड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप सो मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप हो कहाँ रही है कुल्लू में हो रही है ठीक है और इसको आप याद भी रख सकते हैं द ग्रेट खली ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस पर्टिकुलर मिक्स मार्शल आर्ट ठीक है एम एम ए के ये ब्रांड एम्बेसडर है कहाँ पे हो रही है ढालपुर ग्राउंड इन कुल्लू के अंदर हो रही है डिसम्बर फिफ्थ को हो रही है एंड दिस इज इट जो थोड़ा बहुत पढ़ने लायक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टोबैको फ्री इंस्टीट्यूट इन द स्टेट कौन सा स्टेट है ये है टांडा कॉलेज टांडा कॉलेज जो है ये टोबैको फ्री अब इसकी जो प्रोसेस है इम्प्लीमेंटेशन है वो कर दी गई है क्या क्या इसमें किया जाएगा इसको टोबैको फ्री करने के लिए देखो सो so, ये जो मेडिकल कॉलेज है टांडा विल बिकम द फर्स्ट टोबैको फ्री इंस्टीट्यूट इन द स्टेट

पीपल वुड बी टोल्ड दैट टांडा मेडिकल कॉलेज वॉज द टोबैको फ्री जोन हाँ ऑब्वियसली सेंसिटाइज लोगों को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक लोगों को अवेयर ही नहीं किया कि इट इज़ अ टोबैको फ्री जोन सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इस तरीके से होता रहेगा सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू सेंसिटाइज पीपल टू मेक पीपल अवेयर इट इज़ अ टोबैको फ्री एरिया सो यू आर नॉट सपोज टू कंज्यूम सेल परचेज ऑफ एनी टोबैको प्रोडक्ट्स राइट सो इस तरीके से दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय दी टा मेडिकल कॉलेज अंडरस्टैंड नेक्स्ट पढ़ते हैं शोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस रिटेन द नंबर वन रैंकिंग नंबर वन रैंकिंग जो है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को मिली है बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस को किस कैटेगरी के अंदर उसे मिली है कंट्री के अंदर फर्स्ट पोजिशन फॉर साइटेशन इम्पैक्ट एंड क्वार क्वाकॉरेली असाइमेंट्स हायर इंस्टीट्यूट रैंकिंग एजेंसी फॉर एशिया सो so, ये जो आ, आ, जो इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड का हायर इंस्टीट्यूशन रैंकिंग एजेंसी है दिस क्यू एस रैंकिंग जो होती है एशिया के हिसाब से एशिया के ये रैंकिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम उसके हिसाब से फॉर पर्टिकुलरली दिस कैटेगरी साइटेशन इम्पैक्ट इन द साइटेशन इम्पैक्ट इसमें इस यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को फर्स्ट रैंक मिला है राइट right? थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जैसे कि ये 12 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है मतलब ज़्यादा बहुत नई यूनिवर्सिटी हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ वेरी न्यू यूनिवर्सिटी बट इट हैज़ इम्प्रूव्ड इट हैज़ इम्प्रूव इट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड इट्स ओवरऑल एशिया रैंकिंग अगर इसकी बात करें तो, तो ये फर्स्ट है बट अगर ओवरऑल एशिया की रैंकिंग की बात करें तो इसने इसमें भी इम्प्रूव किया है लास्ट ईयर जो था इट वॉज़ टू नाइन्टी वन से लेके इस स्लॉट में था दो टू नाइन्टी वन से तीन सौ के स्लॉट के अंदर था इस बार ये जो स्लॉट है दैट इज़ टू सेवेंटी वन टू टू एटी स्लॉट इस साल के अंदर राइट right? सो so इसने इसमें भी इम्प्रूव किया है ओवरऑल एशिया रैंकिंग के अंदर भी इम्प्रूव किया है साथ ही साथ इसने कहाँ पे इंप्रूव और किया है जैसे कि अमंग नाइन थाउजेंड यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे देश के अंदर है शुलिनी यूनिवर्सिटी वॉज रैंक थर्टी एट लास्ट ईयर और इस बार जो है वो थर्टी फिफ्थ रैंकिंग uh, है इसकी राइट right? और जितने भी प्राइवेट बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी सो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं कंट्री की उसमें इस यूनिवर्सिटी का रैंक एट्थ है ठीक है एट्थ रैंक है राइट सो काफ़ी वाइडर ये जो रैंकिंग की गई वाइडर क्राइटेरिया इसके थे जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टाफ स्टूडेंट रेशो हो गया पेपर्स पर फैकल्टी हो गया साइटेशन इम्पैक्ट हो गया इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क हो गया इंटरनेशनल स्टाफ एंड एक्सचेंज स्टूडेंट्स ठीक है सो so, ये सारे पैरामीटर्स थे जिनको मेजर किया गया एंड अल्टीमेटली ये रैंकिंग निकाली गई जहाँ पे ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है परफॉर्म रेली वेल एंड गॉट प्लेस्ड एट फर्स्ट फर्स्ट पोजिशन इन साइटेशन इम्पैक्ट ठीक है ओके नाउ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू द फर्स्ट वुमेन इंजीनियर ऑफ द स्टेट टू हेड द स्टेट पीडब्ल्यू डी राइट सो पीडब्ल्यू डी को हेड करने वाली स्टेट के पीडब्ल्यू डी को हेड करने वाली फर्स्ट नाम है अर्चना कहा करती है पालमपुर से इज द फर्स्ट वुमेन इंजीनियर टू ऑफ द स्टेट टू हेड द स्टेट पी डब्ल्यू डी राइट और देख लेते हैं थोड़ा सा जस्ट पढ़ने वाली चीज है ज्यादा इसमें याद रखना नहीं है याद रखने वाली चीज जो है वो ये है Uh, सबसे पहले एक दो सवाल पूछे जा सकते हैं पहला तो करंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है हु इज द फर्स्ट वुमेन ठीक है इंजीनियर इन द हिमाचल स्टेट राइट दूसरा सवाल पूछा जा सकता है ये जो पी वाला जो प्रोसेस uh, था डिपार्टमेंट्स थे uh, ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पे शुरू किए गए थे राइट right? तो अगर आपको है आप कमेंट में लिखिएगा किस गवर्नर जनरल ने ये शुरू किया था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स राइट so she was appointed as uh, the engineer and chief pwd by the state government. she completed her engineering. हर इंजीनियरिंग पैक से उन्होंने नाइन्टीन एटी में उन्होंने इंजीनियरिंग uh, कम्प्लीट की असिस्टेंट इंजीनियर लग गए वो डिज़ाइन में पालमपुर के अंदर 1988 के अंदर और शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज जो पालमपुर के पास में है सुलह शी सेट ये सारी जो डेडिकेशन होती है ये सारा कुछ जो तो है इट इट इज़ ऑल पॉसिबल जो आज मैं इस पोजीशन पे हूँ इट इज़ जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी डेडिकेशन टू सर्विस दैट इज़ ब्रॉट हर द ऑनर ऑफ हेडिंग द प्रेस्टिजियस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्योंकि ये जो पी डब्ल्यू डी होता है ये डिपार्टमेंट काफ़ी टफ होता है टफ़ इसलिए होता है क्योंकि हिमाचल का जो टपोग्राफी है एरिया uh, जो है वहाँ पर आपको सड़कें जो बनानी होती है वो हिल्स को काट काट के बनानी होती है तो बहुत मुश्किल काम होता है ये तो इस तरीके की डिपार्टमेंट के अंदर ये जा रही हैं सो दैट इज इट चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अगेन जी आई टैग से रिलेटेड है जी आई टैग से रिलेटेड है चंबा चप्पल जो है गेट्स द जी आई टैग राइट इस तरीके की चप्पल है ये राइट right? और uh, जो बहुत ही इस इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आर्टिस्टिकली uh, बुनाई की जाती है और uh, ये है चप्पल ऑफ चंबा हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन व्हिच विल हेल्प चंबा चप्पल कि इसका जो है कॉपी ना हो पाए जो सस्ती सी कॉपी बन जाती है कहीं पर भी कंट्री के अंदर इस तरीके की कॉपी अगर बनेगी तो वो पीनालाइज हो जाएगा पनिशमेंट उसको मिलेगी राइट चलो इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बहुत ही गोल्डन और कलर्ड एम्ब्रॉयडरी की जाती है और ये हाथों से बनाई जाती है चंबा के टाउन के अंदर क्राफ्ट्समैन के द्वारा एंड रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है चंबा चप्पल को अंडर जीआई एक्ट विल प्रिवेंट एस अनऑथोराइज प्रोडक्शन एज वेल एज मिसयूज ऑफ इट्स नेम मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो चप्पल प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द चंबा वो उसको ये नहीं बोलेगा कि इट इज़ अ चंबा चप्पल राइट right? सो so, कोई भी है चंबा से बाहर कोई चप्पल बन रही है और उसको बोल रहा है ये चंबा चप्पल के नाम से बेच रहा है सो दैट मींस वो लाइबल होगा लीगल प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अंदर वो लाइबल होगा राइट राइट सो अनऑथराइज यूज इन्फ्रिजमेंट अगर होता है रजिस्टर्ड जीआई का बाय प्रोड्यूसर्स अदर देन दोस फ्रॉम द रीजन ऑफ ओरिजिन जहाँ से वो ओरिजिन हो रही है वहाँ से अगर वो प्रोड्यूस हो रही है कहीं और नहीं हो रही है वहीं पे हो रही है जहां पे उसका ओरिजिन है सो so, तब तो ठीक है बट अगर कहीं और से हो रही है देन इट कुड रिजल्ट इन मैक्सिमम ऑफ साल की सजा एंड फाइन ऑफ मैक्सिमम ऑफ टू लाख रुपीज अंडरस्टैंड सो हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अंडर द आई एक्ट दो हजार चार विच इज अ वेरी गुड थिंग राइट सो कि पॉलिसी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किया जा रहा है अंडर जे आई एक्ट इन टू थाउजेंड फोर्टीन के तहत प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर लिया जाता है ताकि आगे जाके उसकी कॉपी वापी कुछ हो रही है तो उसको uh, उसको रोका जा सके प्रिवेंट किया जा सके तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑफ द क्राफ्ट मैन जो है उनका प्रोटेक्ट होगा एंड ऑब्वियसली उनकी इनकम भी बढ़ेगी उनका कल्चर है प्रिजर्व होगा ये सारी चीज़ें इसके साथ आती हैं नाउ नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्रूट कल्टिवेशन प्रोजेक्ट लॉन्च इन ऊना सो ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया जा रहा है कौन लॉन्च कर रहा है हिमाचल प्रदेश रूरल डिपार्टमेंटल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हैज़ डायरेक्टेड द मनरेगा स्कीम्स जो मनरेगा के अंदर जो स्कीम्स आ रही हैं उसको जो है उसमें ये चीज़ को भी इंक्लूड किया जा रहा है कि कल्टिवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट किया जाएगा ठीक है कल्टिवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट किया जाएगा और इसके लिए ऊना डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को Uh, करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए सो so, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं फटाफट कि फॉर हंड्रेड परसेंट असिस्टेंस दिया जाएगा फॉर द फार्म एक्टिविटी मैक्सिमम टू अ लिमिट ऑफ एक लाख रुपया मैक्सिमम एक लाख रुपया दिया जाएगा अंडर द मनरेगा स्कीम टू फार्मर्स हु इंटेंड टू हुवेट जो सोच रहे हैं कि कल्टिवेट करना है ड्रैगन फ्रूट तो उनको मैक्सिमम वन लाख रुपीज जो है वो दिया जाएगा राइट ओके एंड ओके okay. सो so, एक लाख रुपया दिया जाएगा ओके नाउ नेक्स्ट हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ड्रैगन फ्रूट कैन वन ऑफ द मेजर कैश क्रॉप्स इन द रीजन इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड दिम, होती है हम देखते हैं और इसको प्रमोट किया जा रहा है सिर्फ हिमाचल में नहीं बल्कि और भी स्टेट्स के अंदर इसको प्रमोट किया जा रहा है इट्स कल्टिवेशन विल बूस्ट द इकोनमी एंड इसकी uh, इसकी जो रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत बढ़िया होती है तो बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द फार्मर्स होगा दल्टिवेशन ऑफ सिनेमन हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड इन द फाइव डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ये जो सिनेमन का प्रोजेक्ट चल रहा है वो पांच में और भी इंट्रोड्यूस uh, किया गया है इनिशिएट किया गया है और ड्रैगन कल्ट फ्रूट कल्टिवेशन इज ऑल्सो बींग प्रोटेड इन दो रीजन ऑफ द स्टेट जहां पे वेदर कंड्यूसिव है फेवर uh, करता है इन पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए राइट right? हिमाचल में कंपेरेटिवली uh, वैसे तो अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वी हैव वेरी स्मॉल स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है ना यूएस के कंपेरेटिवली हमारी बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स होती हैं नेशनल लेवल पे बट उससे भी छोटी छोटी हमारी जो है नेशनल लैंड होल्डिंग है हिमाचल के अंदर ठीक है सो अब इसको एड्रेस करने के लिए ये जो इश्यू है इसको एड्रेस करने के लिए बेसिकली स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के अंदर ही कैसे हाई यील्डिंग यगजॉटिक क्रॉप्स को उगाया जा सकता है डाइवर्सिफाई किया जा सकता है ताकि अल्टीमेटली फार्मर इनकम को बूस्ट किया जा सके ये भी uh, कोशिश की जा रही है हिमाचल के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स के द्वारा कंटिन्यूस uh, ठीक है ठीक है सो so, आज uh, आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा वी हैव कवर्ड द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ नवम्बर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू